सनसनी, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। जयनगर के जगदीश प्रसाद का पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रयागराज के रेल डीआईजी ने उन्हें सम्मानित किया। मधुबनी में नियोजन लापरवाही को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने डीए के खिलाफ नारेबाजी की। लोखा बाजार में श्याम सलोना सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने खाटू श्याम महोत्सव की झांकी निकाली। मधुबनी में एसएसबी के अधिकारियों ने किसानों को कृषि यंत्र दिए, किसानों में खुशी देखी गई। दुर्गीपट्टी पैक्स अध्यक्ष की संदिग्ध मौत की बात आई सामने, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। सालों से एक ही जगह पर पदस्थापित चिकित्सकों के खिलाफ भारतीय चेतना पार्टी ने सीएस को आवेदन दिया। सीवान के घुटनी थाना क्षेत्र में अज्ञात गाड़ी देखकर लोगों में मचा हड़कंप, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। सीवान के सोनार टोली मोहल्ले में आज श्री नरहरि दास सोनार की जयंती को लेकर एक बैठक की गई। मैरवा प्रखंड के आदर्श राजकीय मध्य विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षिका पूनम सिन्हा के सेवानिवृत्त होने पर विद्यालय के शिक्षकों ने उन्हें विदाई दी। गोरियाकोटी प्रखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। चैनपुर पुलिस ने ओवरलोड बालू से लदे एक ट्रक को जब्त कर लिया, उसका चालान काटा। दरभंगा के केवटी मैनेज 527B के किनारे छोटे बच्चों के लिए लिटिल स्टार प्ले स्कूल का उद्घाटन सीओ अजीत कुमार झा ने किया। केवटी प्रखंड क्षेत्र के नया गांव पश्चिमी पंचायत के ओड़ी टोल में पक्का चबूतरा सह चापाकल का उद्घाटन विधायक डॉक्टर फराज फातमी ने किया। सिंगवाड़ा प्रखंड राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए प्रखंड के सिमरी, माधोपुर, बस्तवाड़ा, कलिंगा और साथ ही रामपुर पंचायत का चयन किया गया। NH57 पर सिमरी थाना क्षेत्र के कुंवरपट्टी गांव के पास बस और ट्रक के बीच हुई जोरदार टक्कर, जिसमें कई लोग घायल। केवटी प्रखंड के परसा विशनपुर में 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ सामूहिक हवन के बाद समाप्त हो गया। कमतौल के गौतम आश्रम में रामानंद संप्रदाय के जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज और अन्य लोगों ने दर्शन पूजन किए। केवटी प्रखंड में भाकपा माले कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, राजू राम की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। रामानंद संप्रदाय के जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज पौराणिक स्थल अहिल्या स्थान पहुंचकर दर्शन पूजन उन्होंने किए। बेनीपुर के बीआरसी भवन जयंतीपुर में निष्ठा का तीसरे चरण का प्रसिद्ध